तो भाई रोमन रेंस को सेथ रोलिंस ने रुला दिया। तो गाइस WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 28 जनवरी का एपिसोड हो चुका है, जो कि रॉयल रंबल से पहले का आखिरी एपिसोड था। यहां पर मेन इवेंट में सेथ रोलिंस और रोमन रेंस के बीच फाइनल प्रोमो देखने को मिला, और इसी दौरान सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस को द शील्ड ब्रेकअप का मूवमेंट याद दिलाकर इमोशनल कर दिया। तो इस वीडियो में हम इसी सेगमेंट को हिंदी में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेन इवेंट के दौरान रोमन रेंस रिंग में आते हैं और सेथ रोलिंस भी आते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि एक्नोलेज मी, तभी सेथ रोलिंस कहते हैं कि तुमने लास्ट वीक हमारे मैच में इंटरफेयर किया और मेरे ऊपर हमला किया। खैर, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूँगा कि अब हमारे रॉयल रंबल मैच में उशोज दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो रोमन रेंस कहते हैं कि ये काफ़ी सिंपल डिसीजन था, अगर तुम मेरी फैमिली को पिन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मुंह पर मुक्का तो पड़ेगा। तो सेथ रोलिंस कहते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरे हाथों हारने में शर्म आती है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सबसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कई बार पिन किया है। तो रोमन रेंस कहते हैं कि वह सब पुरानी बातें हैं और यह 2022 है। सेथ रोलिंस कहते हैं कि हमें पुरानी बातें याद कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हें अब तक का सबसे फेमस मनी इन द बैंक कैशिन याद है? और क्या तुम्हें वह मोमेंट याद है जब मैंने चेयर से तुम्हारी पीठ पर हमला किया था और गेम को हमेशा के लिए बदल दिया? हालांकि तुम्हें उसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम टॉप सुपरस्टार बन गए। उसके बाद तुमने कई रेसलमेनिया मेन इवेंट किए और कई चैंपियनशिप जीती, और यह सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने द शील्ड को तोड़ा, और तुम तो अब ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बन चुके हो। तुमने तो जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को हराया, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाए। लेकिन मेरे भाई, रॉयल रंबल में जो कुछ होगा उसे पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैं तुमसे टाइटल छीनने के बाद भी तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। हालांकि यहाँ पर रोमन रेंस द शील्ड ब्रेकअप का मूवमेंट याद करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने मेरी पीठ पर चेयर से हमला किया, द शील्ड को तोड़ा, इसके बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाया और मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो सेथ रोलिंस कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए ये नफरत अब रॉयल रंबल के बाद और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और तुम्हारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन और तुम्हारी फैमिली सब कुछ एक जोक है। हालांकि ये सुनने के बाद रोमन रेंस सेथ रोलिंस को धक्का देते हैं और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस यहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ यह सेगमेंट पूरा होता है। तो गाइस, जब इंतज़ार है रॉयल रंबल में होने वाले इनके मुकाबले का, तो क्या हैं आपके ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।